बी एड सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इस जिसे कि हम GIT भी कहते हैं। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अ कलेक्टिव सिंड्रोम्स फॉर्म दिस कंडीशन इज जेंडर डिसफोरिया और जेंडर इन कॉन्वेंस। इट अकर्स इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। जेंडर डिसफोरिया इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, जो ये GID होती है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होती है, क्या होती है, किसी में भी हो जाती है, चिल्ड्रन में भी हो सकती है, अडल्ट में भी हो सकती है, मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। इसमें क्या होता है कि हमें हमेशा थकान थकान और डिप्रेशन सा महसूस होता है। जेंडर डिसफोरिया एज अ टाइपिकल पैटर्न ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जैसे GID होती है, हम जैसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है, उससे सबसे ज़्यादा उसके जो दिमाग होता है, दिमाग पे असर करता ही है। फिफ्थ एडिशन DSM-5, इसका जो DSM-5 की फुल फॉर्म क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसीज मेंटल डिसऑर्डर फिफ्थ एडिशन एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10। ये किसी फुल फॉर्म में ICD-10। कैटेगरीज ऑफ डिसफोरिया इज प्योरली अ डिसऑर्डर। इसमें जो जिसे DSM-5 और ICD-10 की जिसे भी बीमारी होती है, जिसे भी यह डिसऑर्डर होता है, उसे क्या होता है, GID हो जाती है। इन द डायग्नोसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड अ रेफरल ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट इज मेड टू। इसमें क्या होता है, जिसे भी ये जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, वो बचपन में ही हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी जो दिमागी तौर दिमाग होता है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। टू एड्रेस ग्रोथ जेंडर बिहेवियर, इससे क्या होता है, जो उसके दिमाग पे असर पड़ता है, और वो चीज़ हमें उसके बिहेवियर में देखने को मिलती है। मोस्ट सच चिल्ड्रन वेयर क्लोथ्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, प्ले विद टाइपिकली प्रेफर्ड बाय द अपोजिट सेक्स एंड हैव डिफरेंटली डिफिकल्टी इन सेम सेक्स पीयर इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें ये खुद ही नहीं पता चलता है कि वो गर्ल है या बॉय है, और वो जो क्या होता है, जैसे बॉय होता है जैसे मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो वो क्या होता है, जो गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स के कपड़े पहनता है, गर्ल्स की खिलौनों से खेलता है, बट वो क्या होता है, जो सेम पेयर्स होते हैं उनसे क्या होता है, उसके उनके साथ रहने में डिफिकल्टी होती है। एडोलेसेंट विद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर यूजली प्रेजेंट सिमिलरिटी टू अडल्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि जैसे जो बीमारी से बचपन में होती है, कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता है कि हम क्या कपड़े पहन रहे हैं या फिर किसके बस के खिलौने से खेल रहे हैं, ऐसे ही सेम वो अडल्ट में भी होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो भी उनके साथ ऐसे ही होता है, उनका जो दिमाग होता है सही से काम नहीं कर रहा होता। दिस मोमेंट टूवर्ड्स फुल ट्रांससेक्सुअलिज्म एंड सम एडोलेसेंट आर एबल टू टेक फर्स्ट स्टेप इनटू ट्रांसजेंडरिज्म क्रॉसिंग टू जेंडर कॉन्फ्रेंस आइदर विद और विदाउट सर्जिकल मेडिकल इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है, जो बड़े होते हैं वो भी क्या होता है, उन्हें भी इस तरह की डिसीज हो जाती है, और वो कहते हैं वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, जो कि ना कि मेल में आते हैं ना ही फीमेल में आते हैं, ये बताया गया इसमें। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसे हम GID कहते हैं, इट इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन अ पर्सन फिजिकल जेंडर एंड द जेंडर ही और शी आइडेंटिटीज। इसमें क्या होता है, जिसे इस तरह की बीमारी होती है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो ही मतलब मेल है या फीमेल है। एग्जाम्पल के तौर पर, अ पर्सन आइडेंटिटी एज अ बॉय में एक्चुअली फील एंड एक्ट लाइक अ गर्ल। इसमें क्या होता है, जैसे कोई लड़का है, वो फील तो करता है कि मैं लड़का है, बट वो क्या होता है, जो रियल लाइफ में रहता है, वो एज अ गर्ल की तरह रहता है, उसे लड़कियों की ड्रेस, लड़कियों की तरह रहना रहना खेलना पसंद होता है। द पर्सन इज वेरी कंफर्टेबल विद द जेंडर दे वर फ्रोन। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अनकंफर्टेबली फील करता है जब उसका जन्म होता है तब से ही। आई होप आपको समझ आया होगा GID का मतलब क्या होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।